नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 66 ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारा लास्ट वीडियो में HTML पूरा फिनिश कर दिया था, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो CSS के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। CSS के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, CSS की स्टाइलिंग कैसे होती है आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये सारा के सारा CSS का मटेरियल आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पूरा देखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम CSS सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू CSS के। हमको CSS की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और CSS एक्चुअली होता क्या है, तो CSS सबसे पहले देख लेते हैं। व्हाट इज CSS, CSS क्या होता है। CSS का दोस्तों फुल फॉर्म होता है, CSS का फुल फॉर्म होता है CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब ये हमारे पर्टिकुलर वेब पेज को स्टाइलिंग देने का वर्क करता है। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, CSS इज ए लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ कि सपोज मेरे पास कोई भी एक HTML का डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट सपोज मान के चलो कि मैंने एक HTML का एक वेब पेज बनाया है। तो दोस्तों, उस HTML के वेब पेज पे आप अगर स्टाइलिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया HTML की हेल्प से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि HTML का बेसिकली काम होता है कि एक आपको स्ट्रक्चर बना के देना, उसको लेआउट वगैरह डिज़ाइन करने का काम वो नहीं करता है। HTML के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो केवल उतना ही वर्क करता है जिसने उसकी प्रॉपर्टी के अंदर उसको डिफाइन करके रख रखा है। तो दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि यार हमारे वेब पेज को हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैंने एक वेब पेज बनाया तो उसके अंदर मुझे कुछ कलर कॉम्बिनेशन देना है, मुझे उसके अंदर कुछ फॉन्ट फैमिलीज वगैरह ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो स्टाइलिंग करने का काम कौन करता है, हमारा CSS। तो CSS बेसिकली एक लैंग्वेज है जो क्या करता है, हमारे HTML के डॉक्यूमेंट को स्क्राइब स्टाइलिंग करने के लिए उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले। CSS ये डिस्क्राइब करता है कि हमारे HTML के एलिमेंट को हमको कैसा डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो एक वेबसाइट को बनाने में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है हमारा स्ट्रक्चर, जो कि हमको HTML प्रोवाइड करता है। अब उस HTML के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लेआउट देना है, स्टाइलिंग लगाना है, तो वो काम कौन करता है, हमारा CSS। दोस्तों, इसको मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सपोज हम एक मकान वगैरह बनाते हैं, तो मकान वगैरह बनाने के लिए जो सबसे पहला स्ट्रक्चर रहता है कि हमको एक ढांचा तैयार करना, तो वो जो ढांचा तैयार करने का काम कौन करता है, मैं HTML करता है। जैसे कि मुझे दीवार वगैरह खड़ी करना है, उस पर मुझे सीमेंट वगैरह लगाना है, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमको HTML ने बना करके दे दिया। मतलब मेरा एक मकान का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब मकान का स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो आप उसमें रहने तो नहीं चले जाओगे, आप चाहते हो कि थोड़ा सा उसमें स्टाइलिंग हो, स्टाइलिंग इन द सेंस कि उसमें कलर हो, ऑयल पेंट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो करती है हमारा एक मकान को तैयार करने में, जो हमारा मटेरियल के बाद जो हमारी प्रोसेस होती है कि उस पर मुझे स्टाइलिंग देना है, उस पर मुझे कलर कॉम्बिनेशन देना है, तो वो वैसा ही हमारा वेबसाइट पे भी वर्क, वैसा ही हमारा वेबसाइट पे भी वो की वही प्रोसेस होती है कि HTML ने पूरा स्ट्रक्चर तो बना के दे दिया, अब उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह करना है, तो उसका मेन काम कौन करता है, हमारा CSS। तो CSS वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, आप HTML सीख सकते हो, HTML बहुत कम टाइम में सीख सकते हो, बट आपको CSS पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको याद करना पड़ेगी। ठीक है, और याद करने की दोस्तों बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी याद होती चली जाएगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस पर्टिकुलर सीरीज में जो मेरी वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है, इसके अंदर मैं आपको CSS बहुत स्टार्ट से एंड लेवल तक आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, और इसके अंदर हम वेबसाइट वगैरह बनाने भी सीखेंगे, और कम से कम 2 या 3 अलग अलग टाइप की मैं आपको वेबसाइट्स वगैरह बनाना इसके अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि CSS हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ द वेब पेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो वेब पेज है, उस वेब पेज को मुझे थोड़ा सा लुक वाइज करना, मुझे ऐसा फील करना है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे वो। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, हमारा CSS करता है। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ टेक्स्ट, स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स, लेआउट डिज़ाइन, वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइज। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ, तो वेबसाइट वगैरह बनाने में जो मुझे सपोज मुझे मैंने कोई भी पैराग्राफ वगैरह लगाया, तो मुझे उस पैराग्राफ के मुझे साइज़ को थोड़ा सा
इम्प्रूव करना है, ठीक है, साइज़ को बढ़ाना है, साइज़ के अंदर मुझे उसका पैराग्राफ का मुझे कलर चेंज करना है, मुझे हेडिंग का कलर चेंज करना है, मुझे उसके अंदर फॉन्ट फैमिली लगाना है। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप के जो वेरिएशंस होते हैं है ना, और अलग अलग डिवाइसेस पे, डिवाइसेस मतलब जैसे कि मैं मेरी वेबसाइट मेरे मोबाइल पे भी चलाता हूँ, तो वो के वही कलर कॉम्बिनेशन मुझे वहाँ पर भी दिखाना है, ठीक है, और वो के वही कलर कॉम्बिनेशन मुझे मेरे डेस्कटॉप पे भी दिखाना है। तो अलग अलग स्क्रीन की साइज़ के अकॉर्डिंग हम हमारी वेबसाइट को अलग अलग टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो मोबाइल पे वेबसाइट का लुक थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, और डेस्कटॉप पे स्क्रीन बड़ी होती है तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों ये काम कौन करता है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, बट ये सब काम हम CSS की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि व्हाई यूज CSS की एक्चुअली हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स वगैरह बना रखे हैं, वो बहुत ही ईजी पॉइंट है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो सॉल्विंग ए बिग प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो हमारे CSS की हेल्प से वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों बिफोर CSS मतलब CSS जब नहीं था तब क्या होता था कि सपोज मुझे एक वेबसाइट बनाना है, 4-5 पेज की वेबसाइट बनाना है, और 4-5 पेज की वेबसाइट पे मुझे हेडर का कंटेंट बिल्कुल सेम रखना है, तो मुझे हर पेज पे अलग अलग पेज पे मुझे सेम चीज़ को रिपीट करना पड़ रहा था। जैसे कि सपोज मेरे पास एक होम पेज है, एक होम पेज पे मुझे H1 का कलर रेड देना है, तो वो के वही कलर रेड नाम की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे सेकंड पेज पे भी अप्लाई करना पड़ रही थी, वो मुझे थर्ड पेज पे भी अप्लाई करना पड़ रही थी। तो हम चाहते हैं कि ये जो रिडंडेंसी हो रही है, जो रिपीट हो रही चीज़ें, इसको हम कैसे रिमूव करें, तो रिमूव करने के लिए ही हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे CSS का। तो यहाँ पे लिखा भी हुई है बिफोर CSS टेक्स्ट लाइक फॉन्ट कलर बैकग्राउंड स्टाइल एलिमेंट अलाइनमेंट बॉर्डर एंड साइज हैड टू बी रिपीटेड ऑन एवरी पेज। हर पेज पे जो चीज़ रिपीट हो रही थी उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं CSS का। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये कि मेकिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट CSS, दोस्तों आज के डेट में सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर आपसे कोई भी क्लाइंट वगैरह अगर आपसे वेबसाइट बना रहा है तो मान के चलना कि वेबसाइट आपको रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट में ही बना के देना पड़ेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है कि सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेरे डेस्कटॉप पे जो मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है उसको मैं कन्वर्ट कर दूं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। अब दोस्तों जैसे कि क्या होता है कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, एक वेबसाइट पे सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शन है, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, और ये कौन सा सेक्शन है, मेरे पास 3 सेक्शन है। अब मैं इस सेक्शन को अगर मोबाइल पे ओपन करूँगा तो मोबाइल पे सेक्शन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे। तो डेस्कटॉप पे डिवाइड नहीं करना है उस सेक्शन को, बट मुझे मोबाइल पे डिवाइड करना है। तो ये जो कन्वर्टेबल रहता है यही काम कौन करता है, हमारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का। और इसको हम CSS की हेल्प से पहले रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं। दोस्तों बूटस्ट्रैप बहुत ही ईजी फॉर्मेट है, वो बहुत ही जल्दी टाइम में आपको वेबसाइट वगैरह पूरी रिस्पॉन्सिव बना के दे देगा। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आपको थीम को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको सबसे बड़ा पार्ट किसका पता होना चाहिए, CSS का, कि CSS से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये भी हम सारी चीज़ें हमारी जो सीरीज़ है वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट की, उसके अंदर मैं CSS के ट्यूटोरियल्स में आपको सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये होता है, इसको एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेबसाइट कैन मैनेज ऑन मल्टीपल डिवाइस लाइक मोबाइल डेस्कटॉप लैपटॉप एंड टैबलेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये होता है सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। कैसे हम हमारा टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कम टाइम में हम अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं यूज विद द हेल्प ऑफ CSS, कैसे। जैसे कि अभी जो पहला पॉइंट क्या था कि हर पेज पे मुझे सेम चीज़ को रिपीट करना पड़ रही थी। अब CSS के अंदर एक CSS का एक एक्सटर्नली पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब ये होता है कि सपोज मुझे अगर 5 पेज पे अगर मुझे एक ही चीज़ को कॉपी करना है, एक ही चीज़ को अगर मुझे सेम 5 पेज पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं उस पर्टिकुलर कोड को मैं एक अलग फाइल में बना के रख दूंगा। वो फाइल जो हमारी बनेगी CSS फाइल जो बनेगी वो फाइल हमारी कहलाती है एक्सटर्नल CSS। उसको मैं 5 पेज पे एक लिंक के थ्रू मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। कल से अगर मुझे 5 पेजेस में अगर अपडेशन करना पड़ा तो मुझे अलग अलग पेज पे अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो फाइल मैं लिंक कर रहा हूँ, जो फाइल मैंने बनी है एक्सटर्नल CSS, उसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। अब CSS को लिखने के लिए उसके सिंटैक्स को हमको पता होना चाहिए कि CSS का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है।
दोस्तों सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद जो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं ये कहलाता है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब एक ब्लॉक, डिक्लेरेशन मतलब किसको डिफाइन करता है, ब्लॉक को। सबसे पहले मुझे सिलेक्टर लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेंगे जो कि हमारा डिक्लेरेशन कहलाता है। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है और एक वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसे में मल्टीपल प्रॉपर्टी और मल्टीपल वैल्यू को मैं यहाँ पे इस सिलेक्टर्स के अंदर एज ए डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। सपोज जैसे कि मुझे सिलेक्टर की जगह पर, सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर मैंने यहाँ पे नीचे आपको लिखा है कि एवरी एचटीएमएल टैग, हर एचटीएमएल का टैग एक प्रकार का हमारा सिलेक्टर कहलाता है। जैसे कि बात करता हूँ मैं H1 की, पैराग्राफ की, डिव की, टेबल की, इमेज की, ये जितने भी हमारे प्री डिफाइंड टैग होते हैं यही क्या कहलाते हैं, हमारे सिलेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंपनी में आप जाओगे तो आपको HTML के बारे में तो पूरा नॉलेज है, बट अगर किसी ने पूछ लिया कि आप सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि HTML का हर टैग अपने आप में एक सिलेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे CSS बनाना है। मुझे जैसे कि सिलेक्टर मेरा क्या H1, तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया H1, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए। प्रॉपर्टी मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी हमारी फिक्स रहेगी और वैल्यू भी क्या रहेगी, हमारी फिक्स रहेगी। फिक्स मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, जो CSS की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है प्रॉपर्टी और वैल्यू, उसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कलर। कलर मुझे H1 का कलर चेंज करना है, तो मैंने प्रॉपर्टी क्या ले रखी है, कलर। और कलर क्या देना है मुझे, रेड। रेड की जगह पर यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल कोड भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। और सपोज मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिलेक्टर पे मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो वो भी हम CSS की हेल्प से कर सकते हैं। किसका यूज़ करना पड़ेगा, आपको सेमी कॉलन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक ही सिलेक्टर के अंदर अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। बिना सेमी कॉलन लगाए हो सकता है कि हमारा ये जो कंटेंट है ये मेरा ब्राउज़र पर प्रॉपर वर्क ना करे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि CSS और HTML ऐसी हमारी लैंग्वेज के पार्ट है जो हम ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट तो करते हैं, बट अगर मैंने HTML पे कोई भी चीज़ गलत लिख दी है और CSS पे अगर मैंने कोई भी चीज़ गलत लिख दी, तो ब्राउज़र पे कभी भी ये एरर जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है। हम वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं इसके अंदर, वो वेबसाइट अगर एज ए सॉफ्टवेयर रहेगी तो आपकी प्रॉपर वर्क करेगी, ठीक है दोस्तों। तो यही मुझे आपको समझाना था कि CSS का बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है। आगे मूव करते हैं। अब जो हम बात करते हैं सिलेक्टर के, जैसे कि मैंने आपको अभी आपको बताया था कि हम सिलेक्टर हम बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्टर की जगह पर क्या लिख देते हैं, मैंने H1। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी बात कि जो सिलेक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। सिलेक्टर कितने टाइप के होते हैं, अब सिलेक्टर में भी डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से सिलेक्टर के टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है CSS एलिमेंट सिलेक्टर। और दोस्तों मुझे सिलेक्टर के टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक वेब पेज है, उस वेब पेज पे मेरे पास 10 से 12 पैराग्राफ है, मान के चलो मेरे पास 10 पैराग्राफ है, और 10 पैराग्राफ के मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो अगर मैंने पी नाम से सेलेक्टर डिफाइन कर दिया, तो जितने भी मेरी वेबसाइट पे पी रहेंगे सब पर मेरी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी, जो कि सेम प्रॉपर्टी को सभी के सभी पैराग्राफ हमारी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। और हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते कि अगर मेरी वेबसाइट पे 10 पैराग्राफ है और 10ों के अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसको यूनिक करने के लिए हम सिलेक्टर्स को कितने टाइप से डिफाइन करते हैं वो ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सीले CSS के सिलेक्टर्स क्या करते हैं, CSS के सिलेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला होता है CSS के एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप H1 क्या है हमारा सिलेक्टर, इसी सिलेक्टर के नाम से मैं यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर को डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने डिस्क्राइब करके देखा है, ठीक है। तो CSS के एलिमेंट सेलेक्टर की हेल्प से भी मैं CSS को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है, अब जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला कि मेरे पास 10 से 12 अगर H1 हुए और सबके अगर मुझे कलर अलग अलग देना है, सबके अगर मुझे बैकग्राउंड कलर अलग अलग देना है, तो उनको यूनिक बनाने के लिए हमको सेकंड सेलेक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है CSS ID सेलेक्टर।
अब अगर मैं आईडी को डिफाइन करूंगा तो आईडी के लिए आपको यहाँ पे एक सिंबल यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है हैश, ठीक है। और यहाँ पे आईडी का नाम आएगा और जो भी प्रॉपर्टी आपको देना है वो अंदर आप प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो। दो टाइप होते हैं, एक तो सीएसएस के एलिमेंट सेलेक्टर जो कि प्री डिफाइंड सेलेक्टर का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर बहुत सारे आपके पास सेलेक्टर एक जैसे और सब पे अगर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको आईडी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे आईडी का यूज़ भी नहीं करना है तो उसके लिए थर्ड होता है सीएसएस का क्लास सेलेक्टर। बस क्लास में आपको यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है कि यहाँ पे आपको डॉट लगाना है और यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है और अंदर आपकी प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद चौथा होता है हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर। दोस्तों ये यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी वेबसाइट पे जितने भी मेरे फॉन्ट हैं उस पर मुझे फॉन्ट फैमिली एरियल अप्लाई करना है ना। जितने भी फॉन्ट हैं बाय डिफॉल्ट जितने भी मेरे फॉन्ट हैं उन सब पर मुझे फॉन्ट फैमिली कौन सी अप्लाई करना है, एरियल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको स्टार से, मैं इसको स्टार से डिफाइन कर सकता हूँ। स्टार मतलब ये होता है कि मेरी पूरी वेबसाइट पे जितने भी मेरे फॉन्ट रहेंगे उसकी फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, एरियल हो जाएगी। तो अगर मुझे कोई बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करना है तो सबसे टॉप पे हम उसको स्टार से डिफाइन कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर या ग्लोबल सिलेक्टर, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं कि जैसे कि मैं जो मुझे H1 और H2 पे दोनों पे मुझे एक ही कलर देना है, H1 और H2 पे मुझे दोनों एक ही कलर देना है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पहले मैं H1 के लिए बना रहा हूँ फिर मैं H2 के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। उसके लिए मैं यहाँ पे H1, H2 भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ग्रुपिंग सिलेक्टर भी हम यहाँ पे CSS के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा एक CSS का बेसिक इंट्रोडक्शन कि CSS क्या होता है, CSS की हमको कहाँ कहाँ पे नीड लगती है, CSS के कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं। ये तीन चीज़ें आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे हमारे वेब पेज में, ये दोनों चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। आई होप दोस्तों आपको इतना CSS के अंदर समझ में आ गया होगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर जितने भी मेरे CSS के ट्यूटोरियल्स बनेंगे उसमें आपको कुछ नहीं तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं पूरा स्टार्ट से एंड तक पूरी वेबसाइट विद रिस्पॉन्सिव मैं सीरीज़ के अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। ओके, गुड बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।